ऑलराइट, तो लास्ट दो वीएचएस टेप, आई मीन एक वीएचएस और एक कॉमिक्स, ये शो करती है कि असल में हमें चैप्टर 3 में क्या नया देखने को मिल सकता है, या फिर वो हो सकता है एक नया कैरेक्टर, या फिर वो हो सकता है एक नया विलेन। और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सा विलेन हो सकता है जो कि चैप्टर 3 में आने वाला है, दोनों वीएचएस और बुंजो बने की कॉमिक्स के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अगेन पपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के बारे में। यहां पे हमें लगभग हिंट मिलने वाला है चैप्टर 3 का मेन विलेन कौन हो सकता है। तो आपका लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तुला कर बिल्कुल भी ना भूलें। सो नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स क्रेटोस, लेथल, विकेवर्स फैनवन, राहुल, यूएन, आइकॉनिक वाईटी और शैडो ब्रो। और अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो चैनल पे दिए गए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, जहां पर आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस और भी ढेर सारे बेनिफिट। जाने से पहले एक बार ज्वाइन बटन चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहां पर हमारा रोड टू 50 के शुरू हो चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें भाग लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जहां तक हो सके, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, या फिर जो भी जिन लोगों को इन गेम्स में इंटरेस्ट है, ताकि वो लोग इस चैनल में सब्सक्राइब करें और हमारी रोड टू 50 के जल्द से जल्द पूरी हो सके। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉन के बारे में, जहां पर जो उसकी वीएचएस आई थी, रिलीज हुई थी, वहां पर मैंने बहुत ही चीजें डिटेल में आपको समझाई थी कि असल में प्रॉन जो की है एक्सपेरिमेंट 1199, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसकी ट्रेजिक स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है, असल में उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो सभी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, क्योंकि यहाँ पर मैं वही कहानी को और कुछ अलग डिटेल्स को मिक्स करके आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा शख्स या फिर कौन सा विलेन हो सकता है आने वाले चैप्टर 3 में। यहाँ पर हम बुंजो बनी की भी कहानी को कवर करेंगे और ब्राउन की भी। लेट्स गो देन। तो जहां तक हमको पता है, जो एम्प्लॉय अपने आप को टर्मिनल लंग्स कैंसर के वजह से वॉलंटियर करता है फॉर द बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट, वो था थॉमस क्लार्क, यानी कि एक 59 ईयर्स ओल्ड मैन जो कि प्ले टाइम को का फुल टाइम एम्प्लॉय था, लेकिन अब वो मरने वाला है, जिसकी वजह से उसने मे बी अनंत जीवन के लिए, आई मीन पूरी जिंदगी जीने के लिए, उसने अपने आप को वॉलंटियर किया फॉर द बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट, जहां पर उसके जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसके ऑर्गन्स निकाल के, उसके आईज निकाल के, उसका ब्रेन निकाल के एक ब्रॉन नाम के रेड डायनासोर में ट्रांसफर कर दिया, जो कि हम देख पाते हैं कि ब्रॉन का जो शेल है, जो टॉय का जो बॉडी है, उसके अंदर हमें ह्यूमन की चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक द आईज और द ऑर्गन्स। लेकिन इसी के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से जो उसकी याददाश्त है वो कंप्लीटली चली गई है। आई मीन उसे नहीं पता है कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। वहीं पर उसे एज अ टॉय स्टोरेज बी में रखा गया, जहां पर ऑलरेडी बाकी के एक्सपेरिमेंट थे जो कि जान चुके थे कि एक नया एक्सपेरिमेंट आया है, और विद नो रीजन वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो असल में बॉक्सीबू था या फिर हगी वगी था, लेकिन जो भी था उन्होंने ब्राउन की बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज किया था, जिसकी वजह से जो उसका वॉइस बॉक्स है वो भी टूट चुका था, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से जो ब्राउन है वो बोल नहीं पाता। लेकिन फॉर्चुनेटली ब्राउन को बचा लिया गया था बाय द रिसर्च टीम, और फिर उस पर कुछ टेस्ट हुए जो कि 12 घंटे तक सर्जरी चली थी, लेकिन अब वो सेफ है और उसे एक अलग ही कन्फाइनमेंट में रखा गया है बाकियों से अलग। और ये जो भी इंसिडेंट हुआ था वो एक्चुअली मे बी 1991 के आसपास हुआ था, जहां पर ब्राउन का जन्म, आई मीन ब्राउन को बनाया गया था फर्स्ट टाइम इन 1961, जस्ट 11 ईयर्स आफ्टर पॉपी प्ले टाइम, यानी कि पॉपी प्ले टाइम के 11 साल के बाद इसे बनाया गया था। जब भी आप ब्राउन को चैप्टर 1 में देखते हो तो वहां पर जो उसका फोटो होता है, वहां पे लिखा होता है कि उसे डेली की 4000 कैलोरीज चाहिए होती है, मे बी फॉर देयर बॉडी, जो उसकी बिग बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, वो एकदम प्रॉपर मेंटेन रहे, उसकी जो मसल्स है और जो उसकी बॉडी है, दैट्स व्हाई 4000 कैलोरीज इन अ सिंगल डे, ये मायने रखता है फॉर द ब्राउन। यहाँ पे ब्राउन के साथ जो भी हुआ था उसे हम ये कह सकते हैं कि मे बी ये एक बहुत ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पे एक और स्टोरी निकल के आती है जो कि उतनी ही ट्रेजिक है, आई मीन उससे ज्यादा ट्रेजिक है, और वो स्टोरी है बुंजो बनी की। बहुत पहले एक कॉमिक्स आई थी, आई मीन 1x1 पेजेस आए थे कॉमिक्स के, जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि जो ब्राउन है वो एक एग हंट पे निकला है और वो यहाँ पर 3 लोगों से हेल्प मांगता है, जो कि है ब्राउन, बॉक्सीबू और पीजे बगापिलर। जहाँ पे जो ब्राउन है वो उसे हेल्प करता है कि उसने एक हिडन एग देखा है गेम स्टेशन में, जिसकी वजह से जो बुंजो है वो निकल पड़ता है गेम स्टेशन फॉर द एग। लेकिन वहीं पर रास्ते में उसे स्मेल आती है जो कि एक एग की होती है, एक अंडे की स्मेल आती है उसे,
लेकिन वो देखता है कि जो स्मेल आ रही है वो एक्चुअली एक गेट के पीछे से आ रही है, और वो वही गेट होता है जहां पर आप जानते होंगे जहां पर मम्मी लॉन्गलेग्स की डेथ हुई थी, और उसी गेट के नीचे से एक्सपेरिमेंट 1006 यानी कि वो जॉइंट हैंड निकल के आया था जो कि मम्मी लॉन्गलेग्स की ब्रोकन बॉडी को अपने साथ उसी के अंदर लेके गया था। वहीं पर जो ब्रॉन है वो उस स्मेल का पीछा करता है। जैसे ही वो उस डार्क रूम में आता है वहां पे उसे एग दिखता है जो कि बहुत टॉप में रखा होता है। वहीं पर ही प्ले टाइम की और भी कई सारी चीजें होती हैं, मतलब कि जो ये डार्क रूम होता है वो एक्चुअली मे बी प्ले टाइम का एक स्टोर रूम होगा जहां पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं। वहां पर हमें एक एग और एक ग्रैब पैक भी देखने को मिलता है। यहां पर बुंजो बनी उस ग्रैब पैक की हेल्प से उस अंडे को निकाल लेता है, लेकिन वो अंडा उसके हाथ में ही उसी ग्रैब पैक के हैंड के अंदर ही टूट जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं एक बेबी बर्ड। लेकिन ये देख गिल्टी फील करता है और वो रोता है कि उसकी वजह से एग टूट गया था, और उसी बर्ड को बचाने के चक्कर में वो एक वुडन बेस पे पैर रखता है जिसकी वजह से जो वुडन बेस है वो वीक होता है और वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर ही बुंजो बनी एक बहुत गहरे होल में गिर जाता है जहां पर वो हेल्प मांगता है सभी से, लेकिन कोई आता नहीं है। वो बहुत देर तक हेल्प मांगता है लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं मिलती है। वहीं पर समय बीतता रहता है, जैसे कि 1 घंटा 12 घंटे, फिर 1 दिन, 3 दिन, उसके बाद 8 दिन, 15 डेज, और हर दिन उसकी जो वीकनेस है वो सामने आती है। ऑलरेडी वो जख्मी था क्योंकि वो बहुत ऊपर से गिरा था। यहाँ पे देखते ही देखते कई समय निकल जाता है और हमें एंड में दिखता है कि उसकी मौत हो चुकी है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक स्टोरी थी ब्रॉन से, क्योंकि वहाँ पर ब्रॉन को बचा लिया गया था फ्रॉम द अदर एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर बुंजो बनी को कोई बचाने नहीं आता, जिसकी वजह से 30 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ भी समझ में आती है कि सारे टॉयज इवन नहीं होते। देख पाते हैं कि वो बर्ड की हेल्प करना चाहता था लेकिन वैसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो एक ऐसी जगह पर गिर गया जहाँ पर खाना पानी कुछ नहीं था। और यही चीज़ हमें शो करती है कि फूड्स बहुत ज़रूरी है टॉयज़ के लिए भी, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विदाउट फूड टॉयज़ 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। मैं 30 दिन इसलिए बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी उस टॉय को 15 डेज हो चुके हैं, तो क्या पता कि 20 या फिर 30 दिन में ही टॉयज़ मर जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो हम लास्ट फोटो देखते हैं बुंजो बनी की, वहाँ पर जो उसकी आइज़ हैं वो मिसिंग होती है, उसे किसने निकाला होता है मुझे ऐसा लगता है। और यही सेम केस हुआ था ब्रॉन के साथ भी, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो ब्रॉन हमें इस वीएचएस टेप पे दिखता है उसकी आंखें हैं, लेकिन जो हमें बाद में दिखता है टीजर में और भी चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में, वहाँ पर उसकी आइज नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक होल होता है। अब क्या पता कि वो उसका कोई काउंटर पार्ट हो, जस्ट लाइक मम्मी लॉन्गलेग्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि बुंजो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ पर जो उसकी आइज हैं वो मिसिंग हो चुकी हैं। अब जो उसकी आंखें हैं वो कौन ले गया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसी के सामने एक नोट, एक फोटो गिरी होती है। अब ऐसे में हम इस फोटो को अच्छे से देख नहीं सकते, लेकिन वहां पे कुछ व्हाइट मार्किंग की हुई है, तो क्या पता कि वो मार्किंग खुद बुंजो ने ही की होगी, कि उसे यहाँ पे कितना दिन हो चुका है वगैरह वगैरह हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस फोटो को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है असल में। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी क्लियर होती है कि कोई भी टॉयज को, कोई भी चीज को, कोई भी एलिमेंट को गेम में या फिर वीएचएस में या फिर कॉमिक्स में नहीं दिखाया जा सकता। ब्रॉन की वीएचएस टेप में जो हमें एक मिस्टीरियस हैंड देखने को मिला था, वो अगर बॉक्सीबू का होगा तो बात अलग है, आगी वगी का होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर वो, क्या पता कि वो एक अलग ही एनिमी निकल के आ जाए। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साबित करती हैं कि ये हगी वगी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये साबित करती है कि ये बॉक्सी बू है, लेकिन क्या पता कि वो कोई अलग ही टॉय निकल के आ जाए। अगर ऐसा है तो उस वीएचएस टेप में जो हमें टॉय देखने को मिला था, और यहाँ पर इस बुंजो बनी की ट्रेजिक स्टोरी में जो हमें एक बर्ड देखने को मिली है, जो कि आई डोंट नो कि जिंदा है कि नहीं है, लेकिन एक बर्ड का हिंट हमें ये दिखाता है कि मे बी नेक्स्ट विलन हो सकती है एक बर्ड। अब वो मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बुंजो बनी यहाँ पे गिरा था तब उसके हाथ में वो बर्ड थी, और अब हम देखते हैं कि इसकी आंखें नहीं हैं, जो कि हम देख पाते हैं कि ईगल्स होते हैं वो ज़्यादातर आंखों पे वार करते हैं, लेकिन क्या पता कि वो कोई बर्ड हो। और जहाँ पर बुंजो बनी की डेथ होती है वहाँ पर हम देख पाते हैं उसी वॉल में कुछ नाखून के निशान होते हैं। अब ये मैच होते हैं एक्सपेरिमेंट 1006 से भी, और क्या पता कि ये एक बर्ड के भी निशान होंगे जो कि इस वॉल को बाहर जाने के लिए खुरेद रही होगी। अरे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसे एक बर्ड का साइन मानते हैं, उसके नेल्स मान सकते हैं, या फिर वो बर्ड जो कि अब बड़ी हो चुकी है, या फिर ये वो बर्ड है जिसने कि वो अंडे दिए हैं, क्योंकि फालतू में वो अंडा आसमान से तो नहीं आ सकता उस रूम में जहाँ से एक्सपेरिमेंट 1006 निकला था।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1006 और इस बर्ड का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह पर रहते थे। और ये वॉल पर जो निशान है वो भी ये शो करता है कि ये कोई नाखून के निशान है। और बुंजो की जो बॉडी है उसमें से उसकी आंखें गायब हैं। तो कई ऐसे बर्ड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आंखों पर ही निशाना करते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया गया था कि ब्रॉन ने इसकी हेल्प करी थी, तो यानी कहीं ना कहीं स्टोरी जो है वो ब्रॉन और बुंजो बनी के ही अराउंड घूम रही है। ब्रॉन की वीचेस टेप में जो हमें एक नया विलन देखने को मिला था वो मे बी बॉक्स भी हो सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट मैं यहाँ पर एक अलग ही टॉय मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन ऐसे टॉयज हैं जो कि विलन हो सकते हैं या फिर एक मेन एंटागोनिस्ट हो सकते हैं फॉर द चैप्टर 3। सबसे पहला है ब्रॉन, और वो क्यों है वो मैं आपको ऑलरेडी ब्रॉन की वीडियो में बता चुका हूँ। सेकेंड है द बर्ड, जो कि हमें देखने को मिला है बुंजो बने की कॉमिक्स में। और थर्ड है वो शख्स जो कि ब्रॉन को मारता है, जिसने ब्रॉन पर अटैक किया था। ये दो एकदम ब्रांड न्यू विलन हो सकते हैं, एक नए टॉयज हो सकते हैं जो कि हमें मे बी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एज द मेन एंटागोनिस्ट ऑफ चैप्टर 3। जहां तक बात रही मेन विलन की तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि या तो वो बर्ड होगी या फिर वो ब्रॉन होगा या फिर वो शख्स होगा, वो टॉय होगा जिसने कि ब्रॉन पे हमला किया था और बुंजो बने की जिसने आंखें निकाल ली। ये थे मेरे वो ऑप्शंस और थ्योरीज जो कि कहीं ना कहीं एक नए विलन का हिंट दे रही है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आपको क्या लगता है कि कौन सा मेन एंटागोनिस्ट होने वाला है आने वाला चैप्टर 3 में। जहां तक बात रही रिलीज डेट की, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बस हमें वेट है या तो एक अपकमिंग वीएचएस का या फिर एक और पेजेस अबाउट द न्यू टॉय या फिर कैंडी कैट या फिर कोई भी हो सकता है जस्ट लाइक बुंजो, क्योंकि यहाँ पर हमें डीजी को भी भूलना नहीं चाहिए। डीजी को चैप्टर 2 में दिखाया गया था बुंजो बनी की जगह पर, लेकिन इन गेम वो नहीं थी, यानी कि उसके लिए कुछ बड़ी चीजें सोची गई है। ये थी थ्योरीज और कहानी और पॉसिबिलिटीज जो कि आपको जाननी जरूरी थी। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो हमें बताइए, हमसे पूछिए, आप हमें चाहो तो फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर भी। मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए एपिसोड में जहां पर हम और भी थ्योरीज को कवर करेंगे। जाने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो और आप हमारा साथ देना चाहते हो रोड टू 50K में, भूलना नहीं है आपको। जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल आइकन दबाना है और उसे ऑल पे सेलेक्ट करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टिल देन मैं वीके मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।